Happy Holi to all of you all. First of all, I wanted to wish all of you all. I know that journalism is a very tough business. Even on a holiday, you are still working. I understand that. I appreciate. I wish all of you, sab log, from the bottom of my heart, a very happy Holi. I am very happy to say that along with our spokesperson, we have Mr. Shilam Devarma. वही था जो सिर्फ चल रहे हैं और जो अगरतला में
आईएमपी की हमारे साथ 5 सीट मिला है, बीजेपी ने 16 सीट आईपीएफटी को दिया है, वो तो आईपीएफटी के सामने भी छोटा पार्टी बन चुका है, तो उनका प्रॉब्लम आईपीएफटी के साथ है, मेरे ऊपर ना निकाले तो उनके लिए अच्छा होगा। पहले उन्हीं का एमपी ने कहा था कि वो 28 से 28 सीट में लड़ेंगे, आज वो आईपीएफटी के साथ जूनियर पार्टनर है, देने का कोई दरकार नहीं है, वो अपने लाइन में चल रहे हैं, मैं अपने लाइन में चल रहा हूं, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो आईपीएफटी से बात करें, आईपीएफटी का स्पोक्स पर्सन होने का कोई दरकार नहीं। फाइनली 31 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम है फोकल, मैं सबको निमंत्रण करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू इन्वाइट ऑल ऑफ यू, आप लोग आइए और देखिए हमारा प्रोग्राम 31 तारीख को कैसे हो। और बात था, स्मॉल इश्यूज है, किसी ने क्वेश्चन पूछा है पार्टी सिंबल टीएसपी तिपरा, मेरे साथ टीएसपी के रेजिडेंट और चित्त बाबू बैठे, हमारा कोई प्रश्न नहीं क्योंकि तिपरा अभी तक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और हमने एक दूसरे के साथ मर्ज किया है, तो एक रजिस्ट्रेशन में हमको इलेक्शन फाइट करना पड़ता है, ये टेक्निकल पॉइंट है। आज भी आईएनपीटी ट्यूजेस के टेक्निकल रजिस्ट्रेशन में इलेक्शन लड़ा है, तो ये बात कहना कि क्या है ये पार्टी सब जानते हैं, पब्लिक इतना बेवकूफ नहीं, तो ये जो लोग कर रहे हैं ये कन्फ्यूजन का एक उनका टैक्टिक है, क्योंकि वो लोग आज इलेक्शन अपने दम में तो जीत नहीं सकते, तो कन्फ्यूज करके 1-2% को इधर उधर करने की कोशिश। सिंबल का बात, हमारा सिंबल है प्रॉब्लम है कि चाइना का अनारस है या नागपुर का अनारस है, ये अनारस त्रिपुरा का अनारस है, ना हमको चाइना का अनारस चाहिए ना हमको नागपुर का अनारस चाहिए, त्रिपुरा का अनारस इज द स्वीटेस्ट क्वीन पाइनएप्पल, तो वी डोंट नीड एनीबडीज अनारस, ये लोकल इंडिजिनस अनारस है, और आप लोग जो भी बोलना चाहें ये शोभा नहीं देता पीपल इन हाई पोजिशन हल्का बात करें। मैंने आज तक कमल का मजाक नहीं उड़ाया, मैंने आज तक सीपीएफ का सिक्किम का मजाक नहीं उड़ाया, आप भी हमारे सिंबल का मजाक मत उड़ाइए, अगर आपको मजाक उड़ाना ही है तो अपने अंदर में बहुत मजाकदार इंसान है अपने पार्टी में, उनके बारे में बात की। और एक कन्फ्यूजन था रिगार्डिंग टीपीएफ और टीपरा, मैंने पता कन्या से बात किया है, परसों भी बात किया, आज सवेरे भी बात किया बिफोर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने पता करने को कहा है कि अपने बैनर्स में मेरा पिक्चर ना लगाए, क्योंकि तिपरा भी इलेक्शन फाइट कर रही है, पता करने भी फाइट कर रही है 5 सीट्स में, और उसमें मेरा पिक्चर नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं एक अलग पार्टी से, तो उन्होंने कहा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो मुझे अपना आइकॉन जैसा देखकर उसने मेरा फोटो लगाया, लेकिन लेकिन इस 5 सीट में भी मेरा फोटो नहीं आना चाहिए, आप फाइट कीजिए अपने एरिया से, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपने 17 सीट में विड्रॉ किया है, मैं वेलकम करता हूँ, आप 5 सीट में फाइट कीजिए, लेट द पीपल डिसाइड कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये पीपल को छोड़िए, लेकिन मेरा फोटोग्राफ नहीं आना चाहिए, उसने अच्छे तरीके से मान भी लिया है, एंड शी हैज एग्रीड नॉट टू पुट माय पिक्चर्स इन अ बैनर। हमारा सिंबल अनारस है, उनका सिंबल शायद डायमंड, मेरा पार्टी मोटा का सिंबल अनारस, ये उनकी बात की है, मैंने उनको ये भी कहा है कि आफ्टर द गवर्नमेंट जब आता है तो हम उसको हंसा के लाइन में मैं उसको निमंत्रण करना चाहता हूँ टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और वो आए नॉमिनेशन के थ्रू, हम चेयरमैन का पोस्ट भी उनको दे सकते हैं, वो आए उनके नॉमिनेशन मेंबर्स भी आए और बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आप जब गवर्नमेंट में आएंगे जब आप दायित्व लेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि हम आपके लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। एक दो लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि हमारा मैनिफेस्टो में हमारा क्या पॉइंट है, हमारा मैनिफेस्टो क्लियर है, हमने कहा कि हमें ग्रेटर दीपर लैंड चाहिए, ये तो और आइडियोलॉजी होता है, बीजेपी ने 2019 का इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं जीता, उन्होंने पुलवामा के लिए जीता, राम मंदिर के लिए जीता, ट्रिपल तलाक के लिए जीता और कश्मीर के लिए जीता,
secondary schools which come under TKDC will be made compulsory English reading. We have said the drinking water problem has to be addressed and drinking water has to be there as per Prime Minister's Jal Jeevan Mission in every household. Electricity problem, humne pole taan diya hai, line khinch diya hai, lekin humne delivery system nahi. Usme humne rural electrification ki scheme mein humne kaha ki har ghar mein पट्टा और पक्का, हर इंडिजिनस हाउसेस को पट्टा भी मिलना चाहिए और पक्का मकान भी होना चाहिए. उसके लिए अगर हम लोन भी लेंगे, हम लेंगे, लेकिन हम ये वादा पूरा करना चाहिए. उसके बाद रोड कनेक्टिविटी, अगर आप रोड कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, अगर आप इकोनॉमी और कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जाकर TTEDC में रोड्स देखें. हमारा एक प्रपोजल है कि रेगा मनरेगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करके मनरेगा और TTEDC को लिंक अप करके हम रोड कनेक्टिविटी अच्छे तरीके से PMKSY से इस्तेमाल करें. और एक पॉइंट है जो बहुत कम लोग इस्तेमाल हो रहे हैं इज रिगार्डिंग द एंटायर एस्पेक्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ द वुमेन एंड यंग वुमेन. आज के दिन हमने स्कीम्स स्टार्ट किया है, उसमें पैसा नहीं लगा. हमने अनाउंसमेंट्स किए लेकिन हमने इम्प्लीमेंट नहीं. आप जब तक उसमें पैसा नहीं डालेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला. इसके लिए अगर हम पावर में आए तो हम डे वन में एक वाइट पेपर रिलीज करेंगे. इस वाइट पेपर में क्लियरली अनाउंस होगा कि क्या पैसा आता है और क्या पैसा किसके पास कहाँ जाता है. जब तक पब्लिक को मालूम नहीं पड़ेगा कि पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है, तब तक पब्लिक को कन्फ्यूजन है. मैं चाहता हूँ कि ये सब एक वेबसाइट में क्लियरली पब्लिश हो, क्योंकि पब्लिक का अधिकार बनता है कि जानने के लिए कि कहाँ से ये पैसा आ रहा है और कितना पैसा आ रहा है और कितना कितने समय में क्या पैसा. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग अ करप्ट म्यूजिक. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी. आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ माई स्टेट एंड गॉड विलिंग आई हैव गॉट एवरीथिंग फ्रॉम माई एंसेस्टर्स बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द पीपल. मैं नेगेटिव कैंपेन में नहीं रहा कि ये वो है ये है. मैं किसी का नाम लेकर किसी के खिलाफ कुछ बोलना भी नहीं चाहता. मैं अपने लाइफ में जाना चाहता और इलेक्शन 10 तारीख को ख़त्म हो गया. मैं चाहता हूँ कि मैं विष्णु काका के घर में जाकर एक कप चाय पीऊं, जितेंद्र चौधरी से बैठकर अच्छे से बात करूं, अपने पीयूष विश्वास जी के संग बैठकर थोड़ा बात करूं, हमारे मुख्यमंत्री जी के संग भी बात करें. तो ये सिविल वॉर नहीं है. आप क्यों एक दूसरे को अटैक करते हैं? मैं भी त्रिपुरा का भला चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप भी त्रिपुरा का भला चाहते हैं. तो इतना नेगेटिव कैंपेन करके आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? हम अपने लाइन में चल रहे हैं. हमारा एक आइडियोलॉजी, हम ना इनके साथ है ना उनके साथ है, हम अपने त्रिपुरा लोगों के साथ. और आपको अगर इस पर आपत्ति है तो हमारा जो इशू है पब्लिकली उसमें आप विचार कीजिए. अगर आपको लगता है कि अच्छा 10 पॉइंट प्रतियुक्त ने उठाया है उसमें 5 पॉइंट जेन्यून है और 5 पॉइंट में हम सहमत नहीं हैं, तो उस 5 पॉइंट जिसमें आप सहमत हैं उसमें तो बात कीजिए. लेकिन किसी को अटैक करना, गुंडागर्दी करना, झगड़ा करना, इससे नुकसान किसको? नुकसान सबको हो रहा है. और ये नेगेटिवली, ये राजनीति अच्छा राजनीति नहीं है. अगर त्रिपुरा को बदलना है हमको तो पहले हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा. मैं मीडिया के सामने सबसे पहले ये बात बोलना चाहूँगा, जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था मैं भी कुछ महीने में आग पड़ा. जब कोरोना हुआ एक साल हम सबको समय मिला अपने आप को रिफ्लेक्ट करने और मैंने अपने गलती पर भी मैंने रिफ्लेक्ट किया. और इसी के लिए मैंने इस इलेक्शन में सोच समझ के मैंने कहा कि मैं क्यों किसी और के ऊपर अटैक करूँ, मैं अपना अच्छा पॉइंट सबको बोलूँ.